हम लोगों ने एक नया पोर्टल बनाया है जिसपे हम लोग कुछ वनस्पतियों के बीज प्रोवाइड कर रहे हैं। पोर्टल का नाम है vishalsathe.me। इससे पहले वीडियोस में मैंने vishalsathe.com बताया था, तो .com ये जो यहाँ पे दिखाया है वहाँ पे नहीं जाना है, आपको जाना है इस पोर्टल पे vishalsathe.me। मी यानी मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा। बरगद, पीपल और नीम, ये तीन बम्बू है जिसपे आयुर्वेद का तंबू खड़ा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद जो पलाश है, बेल है, अपना गूलर है, बबूल है, चंदन है, अंकोल है, इन प्रमुख वृक्षों में से ये पलाश है। और ये पलाश का वृक्ष जो है वो बहुत ही विषनाशक भी है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही अप्रतिम है। बिकॉज हम आए दिन बहुत तरह के विष हम लोग लेते रहते हैं, चाहे वो जंक फूड के रूप में हो, इसके अलावा हम जो खाद्यान्न आजकल खाते हैं उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली आजकल पेस्टिसाइड डाले जाते हैं और साथ में फर्टिलाइजर भी डाले जाते हैं, ये शरीर के लिए स्पेशली किडनीज के लिए बहुत ही खराब होता है। तो इसके पलाश के सेवन से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, शुद्ध होती है। और भी इसके अलावा अगर सांप भी काट ले तो भी पलाश के सेवन से आदमी बच जाता है सर्प विष से। इन सारे केसेस में जहाँ पे विषनाशक की तरह आपको इसको यूज करना है तो इसमें इसके पंचांग का क्षार लिया जाता है और वो बहुत अच्छा काम करता है। और विषनाशक जो वनस्पतियाँ होती हैं वो बॉडी को साफ करती हैं, और स्पेशली ये मैंने देखा है कि ये शिरोरोग में भी बहुत अच्छे काम करती हैं जो भी विषनाशक वनस्पतियाँ हैं। मैं आपको जैसे आंवले का भी एग्जांपल दूं, आंवला भी विषनाशक होता है। आप अगर 1/4 चम्मच आंवला की रसायन अगर मुंह में डालोगे ना, मुंह में डाल करके सिर्फ उसको रख छोड़ो, उसको निगलने की आप जल्दी मत करो, तुरंत आपको ऐसे आंवला चढ़ेगा, किक लगेगी, उससे तुरंत पता लगता है कि विषनाशक वनस्पतियाँ जो है वो ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे बहुत ही ज़ोरदार असर करती है। मैं और एक आपको मेरा कुछ सालों पहले का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो अपनी द्रोण पुष्पी, छोटी वाली द्रोण पुष्पी है, उसका जब मैंने फर्स्ट टाइम सेवन किया था, उसके पत्ते खाए थे कुछ मैंने, द्रोण पुष्पी छोटी वाली भी बहुत ही विषनाशक होती है, सर्प विष में वो भी काम करती है बहुत अच्छा। तो उसके जैसे ही मैंने एक दो पत्ते मुंह में डाले, एक दो पत्ते भी नहीं एक्चुअली, मैंने फर्स्ट टाइम कुछ सालों पहले उसे खाया था, मैंने सिर्फ ये पत्ता थोड़ा सा ऐसे जस्ट चबाया था, थोड़ा सा उसका एज और थोड़ा सा उसको उसका वो थोड़ा रस था उस पत्ती में और थोड़ा सा टेस्ट किया, तुरंत मुझे ऐसे किक लगी थी। ऐसे विषनाशक वनस्पतियों के साथ मेरा ये अनुभव है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो शिरोरोगों में बड़ी कमाल की होती है, तो ये भी शिरोरोग में बहुत अच्छा काम करता है। और भी मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, जो भी वनस्पतियाँ शिरोरोग में काम करती हैं वो सभी के सभी आँखों के लिए भी अच्छी होती है। आप कोई भी विषनाशक वनस्पति ले लें, वो शिरोरोग में काम करेगी और वो आँखों को भी ठीक करेगी। मैं एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि सुपारी अगर आप थोड़ी सी चबाओगे, सुपारी वो शिरोरोग में काम करती है, वो आँखों के लिए भी हितकारी है। आंवला जैसे मैंने बताया विषनाशक है, शिरोरोग में काम करता है, आँखों के लिए भी अत्यंत गुणकारी है। आंवले को और सुपारी को लेकर के मैं आपको ये भी अनुभव बताऊं, जैसे पीसी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ये स्पेशली मोबाइल ब्राउजिंग करते हैं, तो इससे आजकल लोगों की
आंखें खींचती है, बहुत सारा दिक्कतें आती हैं, लेकिन व्यसन होता है लोगों को, इसलिए वो ब्राउजिंग फिर भी छोड़ते नहीं हैं, फिर भी उतने ही घंटे वो लोग ब्राउज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो हेल्थ चैनल पे ही हम लोगों ने सब्सक्राइब को लेकर के एक छोटा छोटी सी क्लिप डाली हुई थी, उसमें वो लाल और वाइट इस तरह से फ्लैश हो करके वो कहता था कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। तो उसमें भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि ये आप हटाओ, ये चेंज करो, ये जब फ्लैश करता है तो दिक्कत आती है, आंखें खिंचती है, ये आप चेंज करो। वो मैंने चेंज किया, उसको मैंने इवेंचुअली इस तरह से कर दिया कि वो धीरे धीरे ऐसे वाइप हो करके और बताता है कि सब्सक्राइब करो। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिनको उस तरह की दिक्कतें आ रही थी और आप में मुझे कमेंट कर रहे थे हेल्थ चैनल पे, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको मोबाइल ब्राउजिंग कम करना चाहिए, और आपको अब्यूज़ जो है, ये एक तरह का अब्यूज़ है, हम लोग अति कर देते हैं काफ़ी बार, हम लोगों को व्यसन होता है इसलिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो ओवर ब्राउजिंग जो है वो आँखों को ख़राब कर रहा है आपको, आपको एक तो ओवर ब्राउजिंग कम करना चाहिए, और सेकेंडली आपको इस तरह की वनस्पतियों का सेवन करना चाहिए। जैसे ये फूल का भी डंठल मैं खा रहा हूँ, इसके फूलों का सेवन करो आप, इससे भी शिरोरोग ठीक होगा। सुपारी का सेवन करो, आंवले का सेवन करो, कोई भी विषनाशक वनस्पति का सेवन करो, ये इसमें बहुत अच्छा है। स्पेशली इसका जो अर्क है वो एक दो बूंद आँखों में डालने से आँखों की हर तरह की परेशानी जो होती है वो दूर होती है। लेकिन मैं आपको वैसे आंवले में भी बताया जाता है कि उसका जो जूस है वो आँखों में आप टपकाइए, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि भले इसमें कहा जाए कि इसका अर्क डालने से आँखें ठीक होती है, आंवले में ये कहा जाए कि उसके रस से आँख में रस टपकाने से आँखें ठीक होती है, लेकिन अगर आप आंवला 3-4 आंवले भी हर रोज़ अगर खाओगे फ्रेश, तो भी आँखों में ज़बरदस्त असर होता है। इसके भी जैसे मैं फूल खा रहा हूँ, आप फूल खाइए, इससे भी आपके आँखों को बहुत ही लाभ होगा, आपका चश्मा भी चले जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने एक नया पोर्टल बनाया है जिसमें हम लोग कुछ वनस्पतियों के बीज प्रोवाइड कर रहे हैं। पोर्टल का नाम है vishalsathe.me। इससे पहले वीडियोस में मैंने vishalsathe.com बताया था, तो .com ये जो यहाँ पे दिखाया है वहाँ पे नहीं जाना है, आपको जाना है इस पोर्टल पे vishalsathe.me, मी यानी मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा, मैं .com पे नहीं मिलूँगा, मैं .me पे मिलूँगा, vishalsathe.me। तो वहाँ पे आप जाइए, आप कुछ सीड्स हम लोगों ने वहाँ पे लिस्ट किए हैं, वहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे आपने देखना है उस पोर्टल पे कौन से सीड्स अवेलेबल है, और उनमें उसमें से जो आपको चाहिए वो आपको उस मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर ऊपर वेबसाइट के फ्लैश किया हुआ है उस पे कॉल करके और आपको बताना है, और जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो हमारा स्टाफ होगा, वो आपको गाइड करेगा आगे किस तरह से बीज को प्राप्त करना है उसको लेकर के। तो इसके सींग अभी लगे हुए हैं, अभी छोटे हैं, इसके और थोड़े 15-20 दिन बाद सींग और पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद इसमें बीज आएंगे, और वो बीज कलेक्ट कर करके मैं vishalsathe.me पे आपको उपलब्ध करवाऊँगा। तो ये एक्चुअली मैं इतना वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, ये पलाश पे हम लोग ऑलरेडी 1 महीने पहले वीडियो कर चुके हैं, और ये पलाश जैसी वनस्पति एक ऐसी वनस्पति है जिसपे मैं अगर बोलता जाऊँ तो एक पता नहीं 1 घंटा या 2 घंटे भी मैं बोलते रहूँ तो भी शायद इसके सारे मैं गुण बता नहीं पाऊँ आपको, तो अगले गुण किसी दूसरे एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बाय।